वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानियन आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पोएटिक डिवाइजेस तो कुछ ऐसे पोइटिक डिवाइसेस जो यूजली मोस्ट ऑफ द पोएम्स में यूज़ करे जाते हैं लाइक like एलिट्रेशन एंड मेटाफर एंड सिमली एंड irony मोस्ट ऑफ़ द poetic devices जो बहुत बार यूज़ करे जाते हैं पोइम्स में मैं आज उनका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड आई टेल यू a ट्रिक कैसे आप उनको पहचान सकते हो सो so दैट आप कोई भी अगर पोएम पढ़ रहे हो तो उसके पोइटिक डिवाइेज आप जो हो पहचान पाओ बिकॉज इस सर हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में पोएटिक डिवाइेज पूछे जाएंगे तो हमें एक आइडिया होना चाहिए वॉट आर द पोएटिक डिवाइेज ठीक है तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है एलेटो एलिट्रेशन में क्या होता है कॉन्सोनेंट को रिपीट करा जाता है या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीट करा जाता है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस नियर ईच अदर या फिर इन द एडजन लाइन ठीक है यानी कि बार बार जो है एक कॉन्सोनेंट को रिपीट करते जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखो फास्ट एंड फ्यूरियस ये दो तो अलग अलग वर्ड है फास्ट एंड फ्यूरियस बट देखो आप फास्ट भी किससे शुरू हो रहा है एफ़ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है एंड फ्यूरियस भी एफ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हमारी पोएम में कई बार ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं कई ऐसी होती है एक दो लाइन्स ऐसी होती है जहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स यूज होते हैं तो वो होती है एलिट्रेशन की पहचान फास्ट एंड फ्यूरियस अब यहाँ देखो आप सेकेंड में पीटर पैक्टेड The pony. तो हर एक में आप देख रहे हो पी consonant से स्टार्टिंग हो रही है तो ये है पहचान हमारे एलिट्रेशन की कोका कोला एक एलिट्रेशन है मिकी माउस एक एलिट्रेशन है टाइनी टैन एक एलिट्रेशन टाइनी टैन एक एलिट्रेशन है. है समझ गए आप जैसे कि यहाँ पे टी consonant रिपीट हो रहा है मिकी माउस में एम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो ये एक सबसे सिंपल आप लोगों का एक आप कह सकते हो एक हिंट है आपको पहचानने के लिए एलेक्ट्रेशन का देशन ऑफ इनिशियल साउंड इन वर्ड विद इन अ लाइन और वर्ड्स ऑफ अ पोएट्री कि पोएम की एक लाइन में या पोएम के एक वर्ड्स के अंदर अगर बार बार सेम से स्टार्ट होते हुए वर्ड होते हैं एक दूसरे के पास में तो उसको हम एलिट्रेशन जानते हैं जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया ओके okay, तो अब जब आप अपनी सिलेबस की भी कोई पोएम देखोगे तो उसमें आपको एलिट्रेशन को पहचानने का तरीका पता चल गया है नेक्स्ट हो गया हमारा मेटाफर तो देखो मेटाफर में क्या होता है मेटफ़र एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपेरिजन के लिए यूज़ होती है अब कंपेरिज़न के लिए एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है जैसे कि सिमिली जो हमें फर्स्ट क्लास से ही कराते हैं एज बस एज ए बी एज कैरी एज ए सी ऐसे ऐसे होते हैं जैसे कि और और भी बहुत सारी सिमिली होती है हमने बचपन में बहुत याद करी है एज रेड एज रोजेस एज ब्राइट एज सन बहुत सारी सिमिलीज तो इसमें कंपैरिजन हो रहा होता है ठीक है तो अब सिमिलीज में एज यूज़ होता है या फिर या फिर लाइक like यूज़ होता है ये होती है सिमिली बट जो मेटाफर है इसमें कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एस इसमें कंपैरिजन होता है काफ़ी डीप लेवल का कंपैरिजन जैसे कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज शेक्सपियर का बहुत बड़ी मतलब कि बहुत फेमस एक ये लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज ठीक है मतलब कि शेक्सपियर ने कंपेयर करा पूरी दुनिया को किससे एक स्टेज से बट उन्होंने इसमें लाइक और एस तो यूज़ नहीं करा तो ये एक मेटाफर है ये आपने ये कोटेशन भी सुनी होगी टाइम इज़ मनी तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है टाइम का मनी से कि जो समय है वो पैसे के बराबर है कंपैरिजन हो रहा है बट कहीं पे भी लाइक और एस का यूज़ नहीं हो रहा तो ये होती है पहचान मेटाफर की तो जब भी आप पोएम के लाइन्स पढ़ोगे और आपको लग रहा है कि यार ये तो कंपेरिजन कर रहे हैं पोएट ठीक है तो जैसे कि कई पोएम्स के अंदर लाइफ और डेथ में कंपैरिजन होता है हैप्पीनेस एंड सैडनेस में कंपैरिजन होता है हैप्पीनेस एंड सौरों में कंपैरिजन होता है ठीक है ब्राइट एंड डल में कंपैरिजन होता है अलग अलग तरीके से पोएट्स जो है कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन जब होते हैं बिना लाइक एंड एस के होते हैं अलग अलग लाइन्स के थ्रू तो उसमें मेटाफर होता है जैसे कि क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स की 12 एक पोएम है माई मदराट सिक्सटी सिक्स उसमें एक लाइन है मेरी चिल्ड्रन्स फीलिंग्स वहाँ पर पोएट बताती हैं बच्चों के बारे में चिल्ड्रन के बारे में ठीक है चिल्ड्रन शो करते हैं यंग एनर्जी लाइफ और कंपैरिजन वो किससे करी होती है अपनी मदर से जो बिल्कुल ही ओल्ड एज होती हैं सिक्सटी सिक्स ईयर्स की होती हैं है, रिंकल्ड होती है उनका पेल फेस होता है वो ओल्ड एज में ओल्ड एज रिप्रेजेंट करती है तो कई बार जो पोएट होते हैं मेटाफर यूज करते हैं कंपेरिजन के लिए ठीक है तो समझ गए आपकी अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू और मोर थिंग विथ सिमिलर क्वालिटी एंड डज नॉट यूज़ लाइक और एज ठीक है कंपेरिजन करते हैं बट लाइक और आस के बिना जैसे टाइम इज मनी ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज तो कंपैरिजन हो रहा है बट यहाँ पे कहीं लाइक like और एस का यूज़ नहीं है नेक्स्ट आ गई सिमली तो सिमली like like तो आपको समझा ही दिया मैंने फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एस का लाइक के तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं अब सिमिल का एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर सिमली पहचानना सबसे आसान होता है नेक्स्ट पोइट्रिक डिवाइस पे मोस्क रेपिटेशन अब रेपिटेशन पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा अगर एक लाइन में पोएम की बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है फुल वर्ड कॉन्सोनेंट नहीं एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा था यहाँ पे पूरा वर्ड रिपीट होता है जैसे कि स्माइल स्माइल एंड स्माइल ऑल आई डिड स्माइल 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 एंड ब्रेक ओ ब्रेक दो बार ब्रेक वर्ड यूज हो गया तो ये होती है रेपिटेशन ठीक है अब रेपिटेशन आपको पहचाननी आ गई है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस मैटर तो ये जो पोइटिक डिवाइस होता है हमारे इसमें क्या होता है साउंड वर्ड्स जो होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है जैसे कि जैसे जो साउंड की स्पेलिंग होती है वैसे ही जो वो साउंड है वो आवाज़ निकालता है जैसे कि पॉप अब आप पॉप बोलोगे तो पॉप जब वर्ड होती है पॉप साउंड ऐसी ही होती है पॉप वाली ठीक है क्रैकल तो जब आप ये क्रैकल वर्ड बोलते हो तो आपको अपने दिमाग में आवाज़ आ जाती है क्रैकल होने की ठीक है देन बस और जब बीज बस करती है तो बस आवाज़ ही आती है और हम बोल भी क्या रहे हैं बस बोल रहे हैं तो वो वर्ड जिनको जब हम बोलते हैं तो वो वैसे ही साउंड निकालते हैं जैसे वो एक्चुअली में होता है जैसे आप इसका वर्ड को प्रोनाउंस कर लेते हो तुम्हारे दिमाग में वो साउंड भी आ जाती है बस तो जैसे आप बस बोलते हैं आपके दिमाग में बस साउंड आ जाती है ठीक, ठीक है। हो गए साउंड वर्ड्स वाले उनमें है। ठीक है लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन एजोनेंस ठीक है अभी एजोनेंस क्या होती है रिपीटेड साउंड इन वर्ड टुगेदर और नियर ईच अदर इन अ सेंटेंस तो जब वॉवल साउंड रिपीट होती है ठीक है वॉवल वाली साउंड वॉबल पता है क्या है इट इज़ रिपीटेड वॉवल्स साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर यानी कि एक सेंटेंस में या पोएम के एक वर्ड्स में जब कुछ लाइन ऐसी रिपीट होती है उनमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें वॉबल साउंड होती है तो वॉबल साउंड पहचानने के लिए वॉवल्स आपको पता है ए आई यू तो भाई ये जो वॉबल्स होते हैं इनके लिए आप वर्ड को पढ़ना और जिस वर्ड्स में वॉवल साउंड आ रही है जैसे कि हाँ पढ़ो अपराउड अब इसमें कौन सी वोवल साउंड आ रही है ओ वाली प्राउड सबसे ज्यादा प्राउड में ओ वोवल साउंड है अब देखो ऑन अ प्राउड राउंड अब इसमें कौन सी वोवल साउंड आ रही है खुद बताओ ओ वोवल साउंड आ रही है ठीक है क्लाउड ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इसमें भी ओ साउंड आ रही है ठीक है तो ये तीनों क्या हो गए हमारे एजोनेंस हो गए अब यहाँ पे एजोनेंस क्या हुआ प्राउड राउंड क्लाउड क्योंकि यहाँ पे ओ वॉवल साउंड के वर्ड्स रिपीट हुए हैं तो ये एजोनेंस है ठीक है अब आते हैं हम दूसरे देखते हैं आगे इन वाइट वाइट आई आई वॉवल साउंड है यहाँ पे ठीक है ये आपने ऊपर आई लिख दिया हाई हाई में भी आई वॉल साउंड है और नाइट में भी आई वॉवल साउंड है तो यहाँ पे आई वॉल साउंड रिपीट हो रही है तो वॉवल साउंड जब रिपीट होती है तो उसको हम एजोनेंस मानते हैं एजोनेंस होती है वो जैसे कि यहाँ पे ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन अ वाइट हाइट नाइट तो जब आप ऐसे देखोगे कि यार ये तो इस सेंटेंस में बार बार आई की साउंड आ रही है सेंटेंस में बार बार ओ की साउंड आ रही है सेंटेंस में बार बार ए की साउंड आ रही है सेंटेंस में बार बार यू की साउंड आ रही है तो पहचान जाना एजोनेंस यूज हुआ है ठीक है और वैसे इस साल आपको ऑप्शन में अगर गिवन होगा एजोनेंस है एलिट्रेशन है मिट्टर है उन्हें मिटपो है तो तुम पहचान सकते होगी कि यार एलिट्रेशन तो नहीं है ठीक है तो चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करके देखना ठीक है थीके? अब नेक्स्ट पे आता है कॉन्सोनेस तो ये क्या होता है इट इज़ जस्ट लाइक एजोनेंस एजोनेंस में हम वॉबल साउंड ढूंढते हैं इसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट के साउंड पहचानिए कॉन्सोनेंस पता है ना जैसे हमारे ए बी सी डी होते हैं उसमें से कुछ वॉवल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंस होते हैं तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंस जैसे कि यहाँ पर आप देखो ब्लैंक एंड थिंक तो यहाँ पे कौन सी साउंड रिपीट हो रही है के साउंड रिपीट हो रही है के के वाली साउंड जो रिपीट हो रही है ब्लैंक थिंक ठीक है तो ये के साउंड रिपीट हो रही है कॉन्जोनेंस है माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक के साउंड है लाइक like में के साउंड है और बाइक में भी के साउंड रिपीट हो रही है क ठीक है तो यहाँ पे ये यह क्या हो गया कॉन्जोनेंस नेक्स्ट देखो आप द ब्लैक सैक इज इन द बैक अगेन एंड अगेन के साउंड इज बींग रिपीटेड तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं लेट्स on टू द नेक्स्ट वन oxymoron। अब oxymoron सबसे अच्छा पोल्टिक डिवाइस मुझे लगता है इसमें क्या होता है दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को एक साथ यूज करा जाता है जैसे लिविंग डेड भाई जो लिविंग चीज़ है वो डेड कैसे हो सकती है और यही है ऑक्जीमरॉन नेक्स्ट हो गया वॉकिंग स्लीप वॉकिंग तो मतलब कोई उठ के चल रहा होगा एंड स्लीप में आप वॉक नहीं कर सकते हो वॉकिंग स्लीप लविंग हेट या तो लव होता है या हेट होता है ये क्या मतलब है लविंग हेट ये होती है हमारी क्या ऑक्जीमरॉन एक इलेवेंथ क्लास की एक पोएम है उस फोटोग्राफ uh, उसमें एक ऑक्मरॉन यूज हुई है लेबर्ड मतलब ईज मतलब क्या होता है मेहनत करना ठीक है और ईज मतलब क्या आसानी से हो जाना लेबर्ड ईज सुन रहे हो लेबर्ड ईज तो ये जब डिफरेंट ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं सबसे ईजी से याद रखना लिविंग डेड इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है लिविंग मतलब अलग होता है ऑपोजिट वर्ड्स को जब इकट्ठा यूज करा जाता है तो होता है हमारा क्या ऑक्सीमराउंड आप मान लो ऑपोजिट या टू कॉन्ट्रोडिक्टी आइडियाज को एक साथ लाया जाता है इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ गुड इफेक्ट तो उसको हम ऑक्सीमरा कहते हैं और ये मेरा फेवरेट पोइटिक डिवाइस है हाइपर बोल तो ये तो ना बिल्कुल ही मैच करते हैं अपने बड़ा चढ़ा के बोलने को हाइपर बोल बोलते हैं बहुत किसी चीज़ को आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो उसे हाइपर बोला जाता है एंड इंटेंशनल और तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में तुम अपने पास से ही बातें बना रहे हो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो अन इंटेंशनल एक्सट्रीम एग्जाजरेशन को बोला जाता है हाइपर जैसे कि द बुक वेज अ टन ये बुक टन्स की है क्या कोई बुक टंस की हो सकती है खुद इमेजिन करो बुक इज अ बुक कितने हद से हम ग्राम की होगी एक किलो की होगी वो भी बहुत मुश्किल बात है बट क्या लिखा है द बुक वेज अ टन ठीक है तो ये तो जब किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के एजेजरेट करके बोला जाता है वो होता है हाइपरबोल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ परसोनीफिकेशन जब कोई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट इमेज को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है उसको हम पोइट्रिक डिवाइस कहते हैं आइडियान थिंग भी इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि ट्रीज प्रिंटिंग देखो अब ट्रीज को लिटरेचर से अगर आप देखोगे तो इसको जो ट्री होते हैं उनको हम परस में लेते हैं बट अगर आप जो है साइंस के हिसाब से देखो तो ट्री भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी बट यहाँ पे हम जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज को या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स को या ट्रीज या प्लांट्स को देते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं लाइक ट्रीज स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है भावना अब ट्रीज भागते तो नहीं है भागते कौन है ह्यूमंस तो हमने ह्यूमंस वाली क्वालिटी जब ट्री को दी तो वो क्या हो जाएगी पर्सोनिफिकेशन माई फ़ोन इज़ नॉट कॉपरेटिंग विद मी टूडे तो भाई फ़ोन तो एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है और कॉपरेट कौन करते हैं कॉपरेट इंसान करते हैं फ़ोन थोड़ी कॉपरेट करेगा जब हम ऐसी जैसी बातें सुनते हैं ना माई फोन इज ऐसी स्टेटमेंट जिनमें इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एनिमल्स को जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी जाती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है माई फोन इज नॉट कॉपरेटिंग विद मी टूडे आई वॉन्ट टू गेट द मनी बट ए टी एम डाइड ये देखो ए टी एम थोड़ी मर सकता है ए टी एम तो मशीन है मरते कौन है ह्यूमन बींग्स मरते हैं तो ए टी एम मशीन को जो है ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दी हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गई ऐसी एक और एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट होती है अपॉर्चुनिटीज़ नॉकिंग ऑन डोर अपॉर्चुनिटीज़ एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म है अपॉर्चुनिटीज़ आके नॉक नहीं करती हैं डोर पे ह्यूमन बींगस डोर पे नॉक करते हैं तो जब अपॉर्चुनिटीज़ को हमने ह्यूमन लाइक जो है क्वालिटीज़ दे दी हैं उसको डिस्क्राइब कराए ऐसे तो वो भी पर्सोनिफिकेशन हुई तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है जब हम ह्यूमन लाइक -like जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को दे देते हैं तो उसे पोइटिक डिवाइस कौन सा होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन ठीक है तो ट्री स्प्रिंटिंग प्रिंटिंग फोन इज नॉट कॉपरेटिंग विद मी टू दे भाई फोन नॉन लिविंग थिंग है आप उसको इंसान की तरह डील कर रहे हो ए टी एम गॉड डाइड ट्री प्रिंटिंग ट्री थोड़ी भागते हैं दीज आर द परसोनीफिकेशन ठीक है कॉमन पोल्टिक डिवाइस और भी बहुत सारे पोर्टिक डिवाइस होते हैं लिस्ट गोज ऑन एन और भी बहुत पोर्टिक तो डिवाइस आज... होते हैं वो भी मैं आपको एक दिन फिर से समझाऊंगी इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आपके नाइन्थ टू ट्वेल्थ तक जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पोयम्स में वो वाले पोल्टिक डिवाइस समझाएं एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको ईजिली समझाऊँ मैंने काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स दे के इनफैक्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है सो दैट बंग एस टू एक स्टूडेंट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है जैसे मैं समझती थी पोइटिक डिवाइस को लाइक like बिकॉज अगर आप बिल्कुल ही बुकिश लाइन से चलोगे विद मीनिंग तो तब थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है मैंने आपको पोइटिक डिवाइज ऐसे समझाया जैसे मैं एज अ स्टूडेंट समझती थी कि अगर मेरे सामने पोए है तो मैंने अपने दिमाग में बना रखा था अच्छा इसमें बार बार जब वॉबल साउंड रिपीट होती है तो वो एसोनेंस है अच्छा जब बार बार एक फर्स्ट लेटर रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन है जब बार बार कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है वो कॉन्सोनेंस है ठीक है बार बार एक वर्ड रिपीट हो रेपिटेशन है कंपैरिजन हो रहा है लाइक और like के बिना मेटाफर है साउंड वाले वर्ड्स है है, ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं, है, इस तरीके से, मैंने करा था इन तरीके से आप ले ले पहचान सकते हो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे तो विद गोइंग बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास ट्वेल्थ नाइन्थ इलेवेंथ टेंथ के इंग्लिश का सिलेबस गिवन है मैंने अपने चैनल पे क्लास नाइन टू ट्वेल्थ तक की फुल इंग्लिश पढ़ा रखी है राइटिंग सेक्शन कवर करवा रखा है जिसमें फॉर्मल लेटर नोटेस्ट राइटिंग एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट राइटिंग स्पीच राइटिंग एवरीथिंग विद फॉर्मेट्स एंड विद एम सी क्यू क्वेश्चन गिवन एंड क्लास एलेवन ट्थ ह्यूमैनिटीज का सिलेबस इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल लेकिन माई चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे आप प्ले लिस्ट देख सकते हो बाय बाई टेके बेस्ट ऑफ लक एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होपफुली हम और पोल्टिक डिवाइज भी डिस्कस करेंगे सो बाय बाय And take care.